दोस्तों आज मैं आया हूँ सुद्धूवाला में। ये जो सामने मेरे पीछे की तरफ से जो रोड आ रही है ये सुद्धूवाला से आ रही है, और ये जो सामने रोड जा रही है ये सिद्धूवाला के पास एक जेल है वहाँ जा रही है। चलते चलते मेरी नज़र पड़ी मिडनाइट कैफे। नमस्कार मैडम। नमस्ते भैया जी। मैं आपकी काफ़ी तारीफ सुन के आया हूँ कि आपके मोमो बहुत टेस्टी हैं। अच्छा, और चाउमीन बहुत बढ़िया बनाती हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए आपने। मेरा नाम सुमन है भैया जी। सुमन जी जी। अच्छा सुमन जी, कैसा लगता है आपको ये चाउमीन और मोमो का काम करके? अच्छा लगता है, काफी टाइम से कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? लगभग 5 इयर्स हो गए, 5 साल हो गए। 5 साल हो गए हैं यहाँ पर, और काफी तारीफ सुनी है मैंने, इसलिए मैं पहुँचा हूँ। काफी दूर आया हूँ मैं, 1 घंटे का स्कूटर चला के पहुँचा हूँ मैं यहाँ पर। और आप क्या क्या बनाते हैं यहाँ पर? हम लोग मोमोज बनाते हैं, जैसे वेज में है, चिकन में है, चिकन रोल है, और फ्राइड राइस है। रात का डिनर भी होता है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट भी है, और दिन का लंच भी है। सारा खाना है हमारे यहाँ, सारा खाना यहाँ पर है। भैया नमस्कार, सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। अंकुर वर्मा। अंकुर वर्मा। अंकुर वर्मा जी, आप यहाँ पर क्या खाने आए हो? जी यहाँ पर फ्राइड राइस खाने आया हूँ, मोमोज भी अच्छे मिलते हैं। अच्छा, यहीं पर मेरा पीजी भी है रेंट बगल में। अच्छा अच्छा, और ये आपके फ्रेंड हैं? हाँ, भाई हैं। आपका नाम क्या है? अभी कटियार। अच्छा, आप क्या खाएंगे आज यहाँ पर? फ्राइड राइस खाने। फ्राइड राइस आपको ज़्यादा पसंद है? हाँ, भैया बहुत बढ़िया बनाते हैं। बढ़िया बनाते हैं। दोस्तों ये सामने जंगल का व्यू है, इन्होंने बाहर एक छोटा सा काउंटर लगा रखा है, और अंदर बैठने की बहुत अच्छी जगह बनी हुई है, और इधर भी काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। शाम का समय है, और चलते हैं मैडम से बात करते हैं, और जो जो अंदर बैठना चाहे वो अंदर बैठ के खा सकता है। जो ये सामने इनका काउंटर है मिडनाइट कैफे, और इनके ओनर से एक बार दोबारा बात की जाएगी। मैडम एक चीज़ बताइए, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग हरियाणा से बिलोंग करते हैं। हरियाणा से जी। अच्छा, तो यहाँ उत्तराखंड में कैसे आना हो गया आपका? हम एक दिन घूमने आए थे और ये जगह हमें इतनी अच्छी लगी, हमें लगा कि हमें यही बिजनेस करना चाहिए। फिर ये आपको मोमो चाउमीन का आइडिया किसने दिया आपको? ये तो शुरू से ही हम लोगों को शौक था, पहले भी हमारा कैफे रह चुका है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ करना चाहा था कि यहाँ के लोगों को अपना टेस्ट दे सके, उनको भी पता चले कि भाई हरियाणा वाले भी अच्छा बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं, उत्तराखंड नहीं बनाते हैं, और भी लोग बनाते हैं। और लोग भी अच्छा बनाते हैं। दोस्तों मैडम ने कितना अच्छा बताया कि ये मैडम देहरादून में आई थी घूमने, और घूमने आई और यहीं के होके रह गई। ये दोस्तों मैंने कई बार काफ़ी जगह देखा है, जो भी बंदा उत्तराखंड के अंदर देहरादून के अंदर सर्विस करने आया, अगर उसने यहाँ का पानी पी लिया तो दोबारा देहरादून छोड़ के जाता नहीं, लगता है तो भी भीड़ हो रही है पूरे उत्तराखंड के अंदर। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि अगर आप देहरादून में आते हैं, उत्तराखंड के आते हैं अंदर घूमने के लिए या किसी भी वे में, तो आप ज़रूर हमारे यहाँ एक बार आए और खाना खा के देखिए। यहाँ का मोमोज है, यहाँ चाउमीन है, यहाँ का खाना डिनर जो भी है बहुत अच्छा है। आप आएंगे सिद्धूवाला से जेल रोड पर हमारा ये जो रेस्टोरेंट है ये है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ मैडम, ये जो वेज मोमो बनाते हो ये फुल प्लेट कितने की है? ये फुल प्लेट आपको पड़ेगी 70 की। हाँ जी, और हाफ प्लेट कितने की पड़ेगी? हाफ पड़ेगी आपको 50 की। हाफ कितने की? हाफ 50 की है, और फुल आपको 70 की पड़ेगी। अच्छा, एक चीज बताओ मेरे को आप जी। मोमो के अंदर सब लोग उत्तराखंड में अलग अलग चीजें डालते हैं, आप वेज मोमो के अंदर क्या क्या भरती हो? वेज मोमोज के अंदर हमारा कैबेज होता है, कैरेट होता है, और आपका खुशबू के लिए जो मसाले रहते हैं गरम चिकन मसाला हो गया, ये सब रहते हैं आपका, और धनिया होता है, और आपका जो अदरक का फ्लेवर होता है, ये तो हो गया वेज। मैडम ये फ्राइड राइस तैयार हो गया है? हाँ जी। ये भैया के लिए, जो भैया लोगों ने ऑर्डर दिया उनके लिए तैयार कर रही हो? उनके लिए। इसके अंदर आपने क्या क्या डाला हुआ है? इसके अंदर भैया जी हमने डाला है कैबेज डाला है, और मटर डाला है, गाजर है, जो भी मिक्स आपकी सब्जी होती है वो सारी होती है। अच्छा, ये फुल प्लेट कितने की दे रहे हो आप? फुल प्लेट है आपकी 80 रुपए की, और हाफ आपकी पड़ती है 40 की। 40 रुपए की। बड़ी खुशबू आ रही है, अभी मैं भी कुछ ना कुछ खाऊंगा और इस दुकान का आपको टेस्ट बताता हूँ। ये सामने भाई लोगों के फ्राइड राइस आ चुके हैं, और भैया खा रहे हैं। इन भैया से पूछते हैं इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? भैया इसका टेस्ट कैसा लग रहा है आपको? एज यूजुअल बढ़िया, हमेशा ही जैसे रहता है भैया। अच्छा बढ़िया, वैसे ही है एज यूजुअल। अच्छा जा, अच्छा आप एट में बदल बदल के खाते हो कि फ्राइड राइस ही खाते हो आप यहाँ पर? नहीं, कभी चिकन राइस भी, कभी एग राइस भी। अच्छा, मोमोज अभी मैंने खाया, ये
अच्छा ये मोमो खा लिए अभी आपने। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। पहले तो अपना शुभ नाम बताइए कि आपका नाम क्या है। मेरा नाम आयुष शुक्ला। आयुष शुक्ला जी, जी। अच्छा आप यहाँ पर क्या खाने आए हो? मैं यहाँ पे पनीर रोल खाने आता हूँ। पनीर रोल खाने आते हैं, कैसा लगता है इनका टेस्ट यहाँ का? भैया के हाथ का पनीर रोल बहुत बढ़िया लगता है। और मैडम के हाथ का? वो दीदी बनाती हैं चिकन रोल, बहुत बढ़िया बनाती हैं। अच्छा। और जैसे पनीर रोल जब खाओ तो मतलब एक भैया के जो सॉसेस का मिक्सचर होता है, हाँ जी हाँ जी, वो तो मतलब एक जैसे कहते हैं ना अलग ब्लास्ट आ जाना मुंह में, जैसे पनीर जब दबेगा और वो सॉसेस का ब्लास्ट आ रहा है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वो मतलब एक अलग ही मजा आ जाता है जैसे खा के, मतलब तीखा तीखा स्पाइसी मजा आ जाता है। मजा आ जाता है। और ये आपके साथ कौन बैठे हैं? ये मेरा दोस्त है राघव। राघव भाई, राघव भाई आप क्या खाने आए हो? मैं तो वेज मोमोज ये सब खाने आया। वेज मोमो ज्यादा पसंद है आपको? ठीक है। चिकन मोमोज वहाँ उत्तरांचल के पास से खाने आता है। वाह जी वाह, इतने बढ़िया लगते हैं आपके। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। शाम हो गई है और मेरी घड़ी में इस टाइम 7:45 के करीब बज रहे हैं और पता नहीं वीडियो कैसी बनेगी। पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि आज शाम को यहाँ की वीडियो बनानी है। मैडम आप मेरे लिए ना हाफ प्लेट पहले मोमो लगाओ जी, फिर मैं उसे खा करके लोगों तक उसका टेस्ट पहुँचाता हूँ। आप मेरे सामने लगाइए मोमो। दोस्तों गर्मा गर्म मोमो उसके अंदर तैयार हैं और ये फ्रेश मोमो देती हैं मतलब बना करके। तो मोमो तैयार होकर के आ चुके हैं और इसको खा करके मैं आप तक इसका टेस्ट। मैडम इसमें चटनी कौन कौन सी डाली है आपने? इसमें एक तो जो मोमोज की जो मिर्ची वाली चटनी होती है वो है, दूसरा मेयोनीज है और एक ग्रीन कलर की जो चटनी होती है धनिया पुदीने की वो है। लाओ। अच्छा ये सब आप नहीं ऊपर मत रखो, साइड पे रख लो प्यार। ऊपर से बटर डाल रहा है। अच्छा और ऑरेगानो डाल रहा है। ऑरेगानो डाल रहा है। थैंक यू दोस्तों। ये मोमो आ चुके हैं, इसको खा करके इसका टेस्ट मैं आप तक पहुंचाता हूँ। नमस्कार मैडम, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ मैं? सबसे पहले तो अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम है डोलू। डोलू, अच्छा। और आप यहाँ के मोमो अक्सर खाते हो यहाँ के? कैसा टेस्ट है इनके यहाँ का? बढ़िया होते हैं, वेज नॉनवेज सब मिल जाते हैं। और आप इस टाइम कौन से मोमो खा रही हो? इस टाइम तो मैं वेज खा रही हूँ। वेज खा रही हो, कैसा टेस्ट है? बढ़िया है, फ्रेश होते हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है कि फ्रेश होते हैं। फ्रेश होते हैं। दोस्तों मेनली मोमो आ चुके हैं और इसको खा करके आप तक इसका टेस्ट पहुँचाता हूँ। बहुत सॉफ्ट मोमो है। इसके साथ थोड़ा प्याज भी खाऊंगा मैं। दोस्तों यहाँ के मोमो आप खा के देखें, यहाँ की चाउमीन खा के देखें, यहाँ का स्प्रिंग रोल खा के देखें। बहुत थोक मोमो हैं और मुंह में डालते ही अंदर घुल जा रहे हैं। मेरे कहने पे शायद आप लोगों को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे यहाँ के मोमो बहुत पसंद आए हैं। आप एक बार यहाँ पर आएँ, इनके यहाँ के मोमो खाएँ, इनके यहाँ के स्प्रिंग रोल खाएँ, इनके यहाँ के चाउमीन खाएँ। अगर मेरा ये चैनल आपको पसंद आ रहा हो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद। मैडम अब मैं मेरे लिए हाफ चाउमीन बनाओ और उसे भी खाता हूँ आपके हाथ की चाउमीन, उसका टेस्ट देखता हूँ कि उसका टेस्ट कैसा है। जी मैडम ने सामने कढ़ाई रख दी है और मैडम का कमाल देखते हैं। ये आपने क्या डाल दिया जी? ये भैया जी ऑयल है। ऑयल है, कढ़ाई नीचे से कढ़ाई गर्म हो रही है। ये एक ओनियन डालती हूँ। दोस्तों मेरे लिए चाउमीन तैयार हो रही है, देखते हैं कैसे बनती है चाउमीन। ये मैडम ने डाल दिया सब्जियाँ। ये कौन कौन सी सब्जी डाली है आपने इसके अंदर? कैरेट है और आपकी शिमला मिर्च है। शिमला मिर्च है। खुशबू आनी शुरू हो गई है, मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। सॉल्ट
जी। और क्या ये डाली है मैडम ने? चाउमीन। बस मैडम और मत डालो, बस इतनी बहुत है। अच्छा दोस्तों, मैं चाउमीन काफ़ी फ्राई करके खाता हूँ। ये बस ये हल्का। हाँ जी, ये क्या डाला आपने? ये सिरका और ये सिरका। और ये क्या डाला आपने? ये आपका जो मतलब चाउमीन का ही है, तो सिरका और एक मसाले दोस्तों, मैडम कैमरे के सामने काफ़ी कंफ्यूज हो रही हैं, क्योंकि उन्होंने पहली बार आज कैमरे के सामने आई हैं। हाँ, कुछ गलती हो भी क्यों। वाह, चाउमीन तैयार हो गया, अच्छी तरह फ्राई कर दो मैडम। दोस्तों मेरे लिए चाउमीन तैयार हो गई है, और मैडम जी बड़े प्यार से मेरे लिए चाउमीन लगा रही है। मैडम दिल से बनाई है चाउमीन मेरे लिए? दिल से। वाह वाह, बस बस मैडम, ज़्यादा नहीं खाता मैं। हाँ, अभी मैं आपको इसकी पेमेंट भी करता हूँ, और इसकी चम्मच लगा के दो आप मेरे को। ये दोबारा क्या डाल दी है इसके ऊपर? ये इसके ऊपर सॉस वगैरह, चीज़ वगैरह वो बस। हाँ, आप मेरे को चम्मच दीजिए। दोस्तों ये चाउमीन आ चुकी है, रोशनी कम है यहाँ पर, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। दोस्तों जैसे ही मैं शूटिंग कर रहा था, एक छोटी सी मैडम यहाँ पर बड़े प्यार से चाउमीन खा रही थी। बेटे अपना नाम बताइए सबसे पहले। सीमा। सीमा, सीमा जी, सीमा जी क्या खा रही हैं आप? मैं चाउमीन खा रही हूँ। खा के इसका टेस्ट बताओ कैसा है। सीमा जी काफ़ी देर से आराम आराम से चाउमीन खा रही हैं, और इनसे पूछते हैं कि इसका टेस्ट कैसा टेस्ट है। आप खाली चाउमीन ही खाती हैं कि रोज बदल बदल के आइटमें खाती हैं यहाँ पर? हाँ जी, सारी चीज़ें खाती हैं। इस दुकान का टेस्ट कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू, धन्यवाद। दोस्तों मेरे लिए चाउमीन भी आ गई है, खा अब इसको भी खाता हूँ। यहाँ की चाउमीन मेरे को इसलिए बढ़िया लगी क्योंकि की पतली चाउमीन है, बहुत मोटी चाउमीन नहीं है, और बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। दोस्तों जो भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, लाइक शेयर और कमेंट करें, जिससे कि हमारा हौसला बने, मैं आपको उत्तराखंड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दिखा सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।